Assalamualaikum dear students, आपका फाइनस और आप देख रहे हैं फाइनस चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या है? वो एटम और एलिमेंट है जिसको कंपेयर करके कार्बन 12 बनाते हैं। क्या करते हैं? कार्बन 12 बनाते हैं, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। द एलिमेंट ऑफ एन एटम with compared to carbon 12, जिसको हम कार्बन 12 को कंपेयर करते हैं किसके साथ? एलिमेंट ऑफ एटम के साथ। क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम यूज है किसके साथ? रिप्रेजेंटेड बाय AMU। किसके साथ रिप्रेजेंटेड करते हैं? AMU के साथ। इसके एग्जांपल होंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसकी एग्जांपल है। इसके जो है AMU में बनती है वैल्यू 1.008 AMU। सेकंड पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की AMU 15.889 AMU। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 16 बनेगा, 16 AMU। लास्ट पे यूरेनियम। यूरेनियम की 238.02 AMU। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 238 AMU, इसकी क्या आ जाएगी? रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप जो डिफरेंट मैसेज होती हैं और सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। डिफरेंट मैसेज होती हैं और सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। Different masses of an atom but same atomic number क्या कहलाते हैं? isotopes is called आइसोटोप्स। आइसोटोप की तीन टाइप्स हैं। नंबर वन पर प्रोटियम, जो सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पर ड्यूट्रियम, तीसरे नंबर पर ट्रिटियम। प्रोटियम ये हमारे पास एटम है। क्या है? ये हमारे पास एटम है ये प्रोटियम का। दूसरा नंबर पर ड्यूट्रियम, तीसरे नंबर पर ट्रिटियम। सब में एटम सेम होगा, ठीक है। इसमें भी एक प्रोटॉन होगा, इसमें भी एक प्रोटॉन होगा और इसमें भी एक प्रोटॉन होगा। सब में एक एक प्रोटॉन होगा, लेकिन प्रोटियम में एक न्यूट्रॉन होगा। ड्यूटियम दो न्यूट्रॉन, इसमें दो न्यूट्रॉन होंगे। ट्रिटियम इसमें तीन न्यूट्रॉन होंगे। कितने होंगे? तीन न्यूट्रॉन। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बताएंगे इसमें कितने होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी सब में क्या होगा? एक एक। क्या होगा? एक एक। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? वन। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जीरो होंगे इसमें। और इसमें प्रोटॉन कितना है? एक। प्रोटॉन एक होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? दो होंगे।
उसके बाद इसमें ट्रिटियम में, ट्रिटियम का मतलब है तीन, इसमें प्रोटॉन होंगे एक और न्यूट्रॉन्स तीन। उसके बाद प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं जी से और न्यूट्रॉन का हम रिप्रेजेंटेड करते हैं ए से। बेसिकली बुक के अंदर जो सा जी और ए का मतलब कि मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए, क्यों उनका मतलब ही जी का कहते हैं हम प्रोटॉन और ए को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और जो सा ये है एटम, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन में 98.99% जो है ना वाटर में, H2O पानी के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, पानी के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, पानी के अंदर प्रोटीन जो तादाद 99.9%, जबकि ड्यूटेरियम के अंदर 0.015%। और ये जो है ना पानी के अंदर नहीं होता। सबसे जो ज्यादा मकदार पानी में हमारे अर्थ क्रस्ट पे कितनी प्रोटियम होती है, प्रोटियम के अंदर हमारे 99.9% पानी के अंदर होती है। इसके बाद इसकी आगे एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन में रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एटम, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या होता है द एटम एंड एलिमेंट which comparison atom and element is named as relative abundance of isotopes, ब्रैकेट में हम एटम एंड एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, एटम एंड एलिमेंट्स। ये क्या है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, जिसमें हम एटम और एलिमेंट का क्या कहते हैं मुआवजा करते हैं कंपैरिजन। इसके बाद इसके जो से एग्जांपल है, इसके एग्जांपल नंबर वन पर बेरिलियम, बेरिलियम में जब 79 हो तो इसमें रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप की कितनी परसेंटेज होगी 50.54%। जब बेरिलियम 81% हो तो इसके अंदर जो हमारा होगा आइसोटोप की तादाद वो 99.49% होगी। और कार्बन जब होगा इसके अंदर, दूसरे एग्जांपल कार्बन 12 जब होगी, आगे मैंने बताया था वो क्या होगा 98.89% होगा, क्या होगा 98.9% होगा। और जब कार्बन 13 ज़्यादा है कार्बन से तो उसमें होगी 1.11% इसकी क्या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप में होगी। और इसके बाद मोनो आइसोटोपिक क्या है, वो आइसोटोप है जिसमें वन आइसोटोप ऑफ एन एटम एंड एलिमेंट इज कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक। ये मोनोआइसोटोपिक कहलाता है, क्या, जिसमें वन आइसोटोप हो, एलिमेंट हो या एटम हो। इसकी एग्जांपल होंगी नंबर वन पर गोल्ड,
गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं Au से, उसके बाद फ्लोरीन F से और आयोडीन एंड आयोडीन एक्सेट्रा। ये मोनो आइसोटोपिक फॉर्म है जिसमें वन आइसोटोप हो एटम और एलिमेंट हो। उम्मीद करता हूँ हार के जो मेरे तीन टॉपिक हैं आपको समझ आई होगी, और जो वहाँ से समझ नहीं आई वहाँ मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अल्लाह हाफिज़।